जी सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछूंगी, जो फिल्म ये फिल्म करने का क्या रीज़न था और किस तरह का रोल, किस किस चीज़ ने आपको अपील किया ये इस तरह का रोल लेने का? ये जो लड़की का कैरेक्टर है शालू, ये बहुत ही अलग तरीके से सोचती है ज़िंदगी के बारे में, और वो जो सपने देखती है और उसे जो चाहिए ज़िंदगी में वो उनको वैसे ही अचीव कर लेती है, इस तरह से कि वो उस किरदार को अपनी ज़िंदगी में अपना लेती है. मतलब शी स्टार्ट लिविंग दैट पर्सन्स लाइफ, शी वॉन्ट्स टू बी दिस डिफरेंट पीपल. सो जो भी उसे मन करता है कि मैं आज ये बनना चाहती हूँ, तो वो उतने दिन के लिए या उतने समय के लिए वो एक्चुअली वो कैरेक्टर बन जाती है और वो रोल प्ले करने लगती है लाइफ में. एंड इस तरीके से शी यू नो सेटिस्फाइज ऑल हर ड्रीम्स एंड वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू बी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लाइफ, विच इज़ जो मतलब आई थिंक ज़िंदगी को देखने का और जीने का एक बहुत विचित्र, मैं कह सकती हूँ, ढंग है, नज़रिया है. तो इट्स दैट. मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग उसका सोचने का तरीका है कि अगर हम लोग कभी ऐसा सोचते नहीं कि मतलब मैं आज ये बन जाती हूँ या ये बन जाती हूँ, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली एक मिनट के लिए अगर सोचें कि वाई नॉट बिकम ऑल दोज पीपल, यू नो, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट एक्साइटिंग टू बी लाइक हर. So I thought she was quite an interesting girl, quite funny also sometimes. Gurdas Maan ke sath jo chhavi ye hai wo hai ki ek singer ki. So when you first approached for this film, to kis tarah se aapne isko liya ki kyunki aap ek singer ke opposite aapko play karna tha. Matlab how did you take that Gurdas Maan as an actor? Well, matlab mujhe such things have never been the deciding factors for me, and matlab I am interested in the character the person is playing, my co-star is playing, and not what he is in life, you know. I mean, if people are not actors, if he's a singer, somebody else can be an engineer, so that does not mean that he is not an actor or he does not qualify to be an actor. So it doesn't matter to me actually. चांदनी बाग के बाद अब थोड़ा बहुत कुछ उसी टाइप की फिल्म, इन द सेंस लाइक यू अगेन प्लेइंग अ लिटिल बिट ऑफ दैट. नो, इट्स नॉट लाइक चांदनी बाग एट ऑल, नॉट एट ऑल. फिल्म भी नहीं और रोल भी नहीं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी एंड इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट. सो इस तरह के जो अलग सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक जब आपके पास आते हैं, तो किस तरह से आप, जो कोई एक चीज रहती होगी खास कि मुझे इसी तरह की फिल्में करनी है या कुछ नहीं? मेरे लिए ऐसा कभी कोई एक खास या कोई फिक्स्ड ऐसा रिक्वायरमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसके बारे में सोच के मैं हाँ या ना करूँ. ज़्यादातर इंस्टिंक्टिव रहा है, और अगर मैंने मतलब अगर मुझे लगा कि मैं इस फिल्म को करते हुए कंफर्टेबल रहूँगी, इन लोगों के साथ काम करने में मुझे अच्छा लगेगा, तो मैंने किया है. इतना कुछ मैं सोचती नहीं हूँ फिल्म साइन करने से पहले, इट्स रियली रियली इंस्टिंक्टिव, और जो मेरे दिल से निकलता है मैं हाँ कर देती हूँ या बिल्कुल ना कर देती हूँ. तो लाइफ कुछ चेंज नहीं होती है. ये ऐसे एक नोशन है, लोगों को लगता है कि कुछ बहुत ही कुछ मतलब ड्रास्टिक चेंज आ जाता है ज़िंदगी में, ऐसा कुछ होता नहीं है. हाँ, मतलब इट्स एक्साइटिंग एक दो दिन के लिए, बट देन लाइफ इज़ द सेम, यू आर द सेम पर्सन. एंड हाँ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे शायद बढ़ जाती हैं या बदल जाती हैं, या जिस तरह से वो आपको परसीव करने लगते हैं शायद वो बदल जाता है. द वे दे परसीव यू एंड द वे दे लुक एट यू, दैट मे चेंज, बट फॉर मी पर्सनली एज अ पर्सन इट डज नॉट चेंज एनीथिंग फॉर मी. आई डोंट नो. आई थिंक producers and directors after a point they know the actor
एक्टर्स कैलिबर, वो लाइन बढ़ने या घटने के लिए अवार्ड या अवार्ड बढ़ने की या घटने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती. मे बी यू नो दे नो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवार्ड मिलने के बाद लोगों को पता पड़ता है कि ये अच्छी एक्ट्रेस है, यू नो. या अवार्ड ना मिले मिलो तो ये तो नहीं होता कि इसको एक्टिंग नहीं आती. सो इट्स मोर अ कॉन्सेप्ट. दिस थिंग अबाउट एन अवार्ड इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट दैन अ रियलिटी, यू नो. सो इट्स ऐसा भी देखा गया, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंसेज हैं जहाँ पे मतलब एक अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिल गया तो आर्ट डायरेक्टर्स और उस तरह की पैरेलल सिनेमा के डायरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने शुरू कर देते हैं. तो डू यू रियली फील समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपनिंग लाइक आफ्टर योर फर्स्ट अवार्ड एंड नाउ आफ्टर योर सेकंड? नहीं, मेरे लिए तो हमेशा ही बोला जाता था बिफोर आई गॉट द नेशनल अवार्ड ऑल्सो कि आई हैव अ बेंट टूवर्ड्स पैरेलल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा के मेकर्स मतलब मुझे ज़्यादा एंथुजियाज्म से अप्रोच करते हैं. एंड आई वाज कॉल्ड क्या सम सेवियर ऑफ द पैरेलल्स समथिंग लाइक दैट. सो अवार्ड से आई डोंट थिंक सो. एंड नाउ बेसिकली बिकॉज आई थिंक मोर मेन स्ट्रीम पीपल आर रिसीविंग द नेशनल अवार्ड एंड इट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट फिल्म को या पैरेलल सिनेमा को अवार्ड मिल रहे हैं, यू नो. माचिस वॉज अ कम्प्लीटली मेन स्ट्रीम फिल्म, चांदनी बार इज़ अ मेन स्ट्रीम फिल्म एंड लॉट ऑफ टेक्नीशियंस फ्रॉम मेन स्ट्रीम सिनेमा हैव बीन गेटिंग द नेशनल अवार्ड. सो आई डोंट थिंक ग्रोथ तो मैं अपने आप की ग्रोथ नहीं देख पाती हूँ. आई कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव. लेकिन डेफिनेटली अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ कोर्स आई हैव इट्स रियली ग्रोन विथ मी नाउ. एंड क्योंकि शायद इतने साल हो गए हैं एंड इट्स बीन 15 इयर्स सिंस आई हैव साइन माय फर्स्ट फिल्म, तो इट्स बिकम होम फॉर मी नाउ. और आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस होल बिकॉज आई थिंक देर इज़ नो अदर प्रोफेशन लाइक आर लाइक सिनेमा एटलीस्ट फॉर मी. तो बहुत अच्छे लोगों से मिली हुई हैं, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है, बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू बी इन. दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड. कहीं कुछ गलत हुआ होगा जो मतलब मैं बहुत ही गलत रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज आई रियली आई एम वेरी वेरी क्लूलेस अबाउट बेसिक बिजनेस. मुझे जो मतलब जो फिल्म में एक्टिंग करने के अलावा मुझे कुछ नॉलेज है नहीं. बट आई थिंक हर इंडस्ट्री के और हर प्रोफेशन के और हर इंसान के फेजेस होते हैं. देर आर ऑलवेज वैलीज एंड पीक्स. एनी बिजनेस और इंडस्ट्री कैन नॉट बी ऑन अ प्लेटो एंड इट कैन नॉट बी जस्ट गोइंग थ्रू अ गुड फेज और या तो सिर्फ बैड फेज. ऐसा नहीं हो सकता. तो आई गेस वी आर गोइंग थ्रू अ बैड पैच बट वील कम आउट ऑफ इट. मतलब यू हैव टू गो थ्रू बैड टू देन बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. एंड जिंदगी खूबसूरत है, इसको आप कहाँ पे प्लेस करती हैं? क्या ऐसा है जो लोगों को अपील करेगा इस फिल्म में, मतलब किस तरह से इसको कहेंगे कि हट के? किस तरह से अब हमने तो कोशिश की है एक अलग नज़रिए को प्रेजेंट करने की इस फिल्म में. एंड रेस्ट आई थिंक द ऑडियंस हैज़ टू डिसाइड कि कितनी डिफरेंट है या कितनी डिफरेंट लगी उनको. आई थिंक सभी ये सोच के बनाते हैं कि यू नो इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. लेट्स सी. ओके, away from the subject of the film. Okay. And it's up to you whether you want to answer or not. Would you like to comment on the HOTC love story? No, I do not want to. What about the music of the film? Okay, the music is quite unusual. It has a very native feel to it.
क्योंकि और बिकॉज मान साहब हैज संग द सॉन्ग्स हिमसेल्फ, तो इट हैज़ इट्स पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक एंड इट गोज विद द फिल्म एंड द फील ऑफ द फिल्म. तो आई थिंक इट्स गॉट वेरी स्मॉल टाउन फील एंड अपील टू इट. एक चीज आपसे जाननी थी, क्योंकि जो पंजाबी कैरेक्टर्स हैं, पंजाबी लड़की के कैरेक्टर्स जो आप प्ले करते हैं, उसमें एक बड़ा फील आता है उस तरह का. सो डू यू रियली गो आउट फॉर सम काइंड ऑफ रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड द वे पीपल बिहेव, स्पेशली पंजाबी? मतलब ये दिस इज माय पर्सनल फीलिंग दैट आई एम, मे बी फिजिकली आई लुक अ पंजाबी, सो दैट्स व्हाई मे बी पीपल, इट कम्स इजीली टू मी बिकॉज सी व्हेन यू लुक द कैरेक्टर हाफ द बैटल इज वन. No, so I look a Punjabi in every sense. So I think it's more believable for me as a Punjabi. But aisa koi research maine kiya nahi hai.